It is surprising, in fact shocking. Delhi's Chief Minister Shri Arvind Kejriwal has not spoken a word about Swati Maliwal, who was misbehaved with, beaten up in CM's residence. Arvind Kejriwal ke rehte mahilaen bhi surakshit nahi. Kaise log hain us badtameez insaan ki badtameezi maine khud bardasht ki hai aur sab log ne bardasht ki hai. Kejriwal ji foran istifa de. Ko ye na samjhe ki Vibhav ne kiya hai. ये अरविंद केजरीवाल का किया कराया है। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपने तो क्या अरविंद जी? इट इज सरप्राइजिंग, इनफैक्ट शॉकिंग दैट दिल्ली चीफ मिनिस्टर Shri Arvind Kejriwal has not spoken a word about his party member of parliament Rajya Sabha Swati Maliwal, who was misbehaved with, beaten up in CM's residence, and she's called up the Delhi police, and the CM has not even acted or responded or spoken about it, whereas today I am being told that in Uttar Pradesh he was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person, he is on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this, and she herself has gone to complain to the police station. But I fear that now she is also being really threatened that she should not come forward to do any more on this, and it in utter disgust. I am shocked that the chief minister has not even spoken about it. Dekhiye, Arvind Kejriwal ek bade bhrashtachari hain, ye to supreme court ne aspasht kar diya, क्योंकि बेल देने से भी इनकार कर दिया उनको. इंटरिम बेल यानी एक पेरोल की तरह उनको जनता के बीच जाने का मौका दिया है. लेकिन अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं. पीछे भी बहुत सारी केस है. इन्हीं के पार्टी के लोगों ने सोनी मिश्रा की हत्या की, और सोनी मिश्रा के साथ पहले उसके साथ उसका शोषण हुआ. उसके बाद बहुत सारे केसेज आए हैं जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे. संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं. अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात FIR में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ. अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है. जो उनके साथ मारपीट मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के निवास पे हुई, उसकी कंप्लेंट दी. लेकिन हैरानगी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी जो औरतों के सम्मान की बात करते हैं, किस कदर बेशर्मी है उनके चेहरे पर कि अभी भी उस वैभव कुमार को, जो उनका पीए है जिसने स्वाति मालीवाल जी के साथ मार पिटाई की, उनको बुरी तरह से पीटा और सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर पीटा, ऐसे वैभव कुमार को अभी भी अरविंद केजरीवाल जी अपने साथ लिए घूम रहे हैं. लखनऊ में भी वो वैभव कुमार उनके साथ थे और पंजाब में भी. आप अब समझ सकते हैं दिल्ली के लोग या अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं. ये इसको डिफेंड कर रहे हैं वो महिला जो बिल्कुल निर्भीक तौर से जिसने लड़ा है और बार बार लड़ा है, जिसने और महिलाओं की मदद की है, जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पीसीआरएफ के दिनों से, कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से लेकर अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी तक उसने लगातार साथ दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है. किस तरह के उससे उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कैसे लोग हैं ये?
और देखिए बेशर्मी इनकी कि वही इंसान जिससे वो पिटवा रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना, और उस बदतमीज इंसान की बदतमीजी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है। देखिए हाथापाई तो होती रहती है, आपको याद है किस तरह से प्रशांत और योगेंद्र को धक्के मारकर पाउंसर्स बुलाकर उन्होंने हटाया था, लेकिन ये तो उन्होंने हद पार कर दी है, क्योंकि जो भी इनके आपसी रिश्तों में दरारें हों या जो भी दिक्कतें हों, क्या आप अपने पीएस को भेजकर पिटवाएंगे किसी महिला को?